गाइस वेलकम बैक टू योर फेवरेट चैनल ट्रेडिंग विद तरुण। मेरा नाम तरुण और ये है निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का पोस्ट मार्केट एनालिसिस। बात करेंगे वीडियो के अंदर कल किस तरीके के लेवल्स के बारे में हमने वीकली एनालिसिस में बात की थी, मार्केट किस तरीके से प्ले आउट किया और कल आप किस सेटअप पर काम कर सकते हैं वेडनेसडे के दिन। सबसे पहले गाइस ट्रेडिंग विद तरुण के सारे व्यूअर्स, सारे पार्टिसिपेंट, इंस्टाग्राम मेंबर्स, टेलीग्राम मेंबर्स, सबको ट्रेडिंग विद तरुण और उनकी टीम की तरफ से हैप्पी ईद, ईद मुबारक, रमज़ान मुबारक। आई विश द कमिंग ईयर्स इज ग्रीन एंड पूरा आने वाला साल आपको एक दिन नहीं, एक महीना नहीं, पूरा का पूरा साल हर दिन ग्रीन कलर में ईदी देता रहे। सो हैप्पी ईद गाइस। कल है ट्यूसडे और कल है मार्केट क्लोज क्योंकि ईद है और आज मार्केट ने रुला दिया। पंजाबी में मेरी कहावत है, मैं पहले भी कई बार यूज़ कर चुका हूँ, जिथे दी खोती उत्थे आन खलोती। मार्केट जहाँ फ्राइडे को थी लगभग 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 वहीं आके दोबारा बंद हुई है और रुला दिया मार्केट ने अच्छे तरीके से। ट्रेडर्स को पैसे बने जिन्होंने पुट की पोजीशन बना रखी थी, जो गैप अप गैप डाउन में पैसा दे रही है मार्केट वही दे रही है, उसके अलावा कोई मार्केट पैसा नहीं दे रही है। अगर मैं डेली चार्ट के ऊपर आऊँ और एक एक इंडेक्स की बात करना शुरू करूँ तो ये हमारा बैंक निफ्टी का कैंडल आज ग्रीन बना, एक गैप डाउन दिया 460 पॉइंट्स का गैप डाउन और उसके बाद में मार्केट ने अच्छा खासा खींच दिया ऊपर से नीचे की तरफ। और अगर आपने वीकली एनालिसिस सुना हो तो मैंने उसके अंदर बोला था गाइस के प्रो की जो इन्फॉर्मेशन है मैं आपको इनफैक्ट वो सुनाना भी चाहूँगा, आप सुन सकते हैं। वन सेकेंड सर, देखते हैं सर कल की वीडियो एनालिसिस वीडियो थी उसके अंदर क्या बात की थी, एक बार वीडियो सुन लेते हैं छोटा सा क्लिप। उसने बहुत ही हेवी क्वांटिटी के अंदर पुट बाय कर रखी है और कॉल राइटिंग कर रखी है ऑप्शन चेन डेटा के हिसाब से, लेकिन अगर आप डेटा को एनालाइज करेंगे तो एफआईआईएस के पास कॉल की भी बाइंग है, वो कॉल साइड पर भी बैठे हुए ऑल साइड पर भी बैठे हुए हैं। इसका क्या मतलब हो सकता है, ये पॉसिबिलिटी हो सकती है कि मार्केट अगर मंडे के दिन एक गैप डाउन ओपन होती है और प्रोज अपनी पुट्स निकाल देते हैं, उसी समय बेच देते हैं, सेल ऑफ कर देते हैं, तो मार्केट एक रिकवरी बाउंस मार सकती है, रिकवरी बाउंस मार सकती है, मतलब कैंडल यहाँ पर विक बना के ऊपर की तरफ आ सकती है यहाँ पर। तो गाइस अगर आपने ये वीडियो ध्यान से देखा होगा, लेवल्स देखा होगा, तो क्लियरली आपको एक चीज मैंने बोली थी कि मार्केट मंडे के दिन एक गैप डाउन देकर, ठीक है, गैप डाउन देकर दोबारा से ऊपर की तरफ आ सकती है। क्यों? क्योंकि भाई प्रोस की जो ऑप्शन चेन का डाटा मैंने चेक किया था और उसके हिसाब से अगर आप देखोगे तो ऑप्शन चेन के हिसाब से मार्केट ने क्या संभावना बनाई थी, मार्केट ने प्रोस की जो पोजिशन थी, प्रोस की पोजिशन क्या थी, पुट साइड थी, ठीक है, और FIIs के पास जो कि मेजर इंस्टीट्यूशनल प्लेयर है इसके पास कॉल बाय में थी, मतलब ये बुल साइड पे भी बैठे हुए थे, तो ये अपने आप को लॉस तो कराएंगे नहीं। तो इन्होंने क्या किया, पुरोज ने जैसे ही मार्केट नीचे की खुली इन्होंने अपने सौदे काटे, प्रॉफिट बनाया, यहाँ पर FII ने और बाइंग की है और मार्केट को खींच के ऊपर वहीं पर बंद कर दिया है जहाँ पर मार्केट फ्राइडे को थी। बीच में कौन फंसा, रिटेलर, प्रोस, FII या DIS, कौन फंसा बीच में, कौन कटा बीच में अपना? अगर इसका आंसर जानना चाहते हो कौन कटा बीच में तो भाई अपना अपना ट्रेडिंग अकाउंट का PNL आज का चेक कर लेना, जिसके जिसके SL हिट हुए ना वो ऑप्शन चेन डेटा एनालिसिस सीख लो, ज्यादा प्रॉफिट में रहना सीख जाओगे। आज मेरा भी एक SL हिट हुआ बट एनीवेज गैप डाउन के अंदर पैसा बना था तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये होके गया 4 आवर। चलो देख लेते हैं कि अब क्या सिनेरियो बनता है 4 आवर के चार्ट पे। अगर देखेंगे गाइस ये आपको मैंने ऑलरेडी डिटेल एनालिसिस करके बताया था, अगर आपने वीडियो चेक नहीं किया तो वीडियो को बिना रुके जाके देखिएगा, 3000 पॉइंट का मूव कैसे कहां आ सकता है, डिटेल एनालिसिस है वो भी बहुत तरीके से की हुई है। ये एग्जैक्टली हमारे लोअर पॉइंट से सपोर्ट लेके आया, ये अगर लेवल टूटता था हमें अच्छा खासा फॉल देखने को मिलता था, लेकिन मुझे भी जब मैं आज गैप डाउन के अंदर 3.5-4 लाख रुपए का प्रॉफिट था, लेकिन मैं क्योंकि मैंने होल्ड किया, मुझे लगा था मार्केट गिरना चाहिए, होल्ड किया, वो 3 लाख तक रह गया, 3 लाख में मैंने अपना 16 काटा, लेकिन मार्केट यहाँ से ऊपर गया। अब ये वापस इसको टैग करेगा, नीचे आएगा, बीच में फंसाएगा, खेलेगा ऊपर, यहाँ इसके ऊपर ट्रेड लेंगे, इसके नीचे ट्रेड लेंगे, जब तक ये कुछ नहीं होता मार्केट बीच में सिर्फ और सिर्फ फंसाने का काम करेगी,
सारे का काम करेगी और कुछ नहीं करेगी। तो आपको क्या करना है, मार्केट से थोड़ा सा हट के बच के रहना है। 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाते हैं और देखने की कोशिश करते हैं कि कैसे हम ट्रेड कर सकते हैं। निफ्टी का चार्ट देख लेते हैं, सॉरी निफ्टी का चार्ट, निफ्टी ने कौन सी कैंडल बनाई है। निफ्टी ने भी गाइस, निफ्टी तो भाई हद कर दी है, कहता है ना हद कर दिया आपने, हद कर दिया आपने भाई। क्या है ये, क्या है गुच्छा, ये क्या है, मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, पिछले 11 दिनों का शगुन डाल दिया एक ही लिफाफे में। 11 दिन का शगुन डाल दिया है एक ही लिफाफे में। इस लिफाफे के ऊपर या नीचे कहीं पर ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हो तो भाई कुछ हमें मिले, मतलब जो जूस होता है या तो गैप अप में निकल जाता है या गैप डाउन में निकल जाता है। रिटेलर के बेचारे हाथ में कुछ आ ही नहीं रहा है, आई फील सो सैड। बट हाँ, वॉलेटिलिटी बहुत अच्छी है इस मार्केट में। अगर आपने पैसा नहीं बनाया इस मार्केट में, जिसने पैसा बनाया है इस मार्केट में, जिसने पैसा बनाया है, मैं बोलता हूँ शीशे में के सामने खड़े हो जाना, कंधे के ऊपर थापी देके ये बोलना गुड जॉब, गुड जॉब। क्योंकि असली ट्रेडर वही है जो इस मार्केट के अंदर पैसा बना गया हो। तो अपना PNL चेक करना, इस मार्केट के अंदर अगर पैसा बना लिया तो आपको ट्रेडिंग जरूर आती है। क्योंकि क्यों, इस मार्केट में तो कोई भी पैसा बना लेगा मेरी जान, बढ़ती हुई मार्केट में। यहाँ पर जब नए रिटेलर आए थे उनके साथ क्या हुआ था, अरे कुछ भी बाय करो ऊपर जा रहा है, कुछ भी बाय करो ऊपर जा रहा है, और रिटेलर आ रहे हैं, और अकाउंट खुल रहे हैं। यहाँ पर सबका जूस निकला है, सबका जूस निकला है। तो भाई अगर आपको जानना है कि आप ट्रेडर हो कि नहीं हो तो एक बार चेक कर लेना अपना PNL लास्ट 11 दिन, 11 दिन के PNL। अगर आपका ग्रीन में है तो भाई ट्रेडिंग तो आती है, बहुत ज्यादा ग्रीन में है तो भाई बहुत अच्छी आती है, हल्का ग्रीन में तो थोड़ी थोड़ी आती है, सीखने की जरूरत है। ठीक है, ये रियलिटी चेक है, ठीक है। रियलिटी चेक चाहिए हो तो आपको ऐसे मिल जाएगा पक्का, ठीक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो गाइस यहाँ पर ये एक पैटर्न बनता हुआ दिखाई दे रहा है, और ये है एक बेरिश फ्लैग पैटर्न, जिसका आज इसने ब्रेकआउट दिया, ब्रेक डाउन दिया, और मार्केट ऊपर से फिर से वहीं पे आके बंद हो गई। इसको बोलते हैं जिथे दिखोती उथे अनखलौती, इट जस्ट केम राइट बैक इनसाइड द पैनल सेल्फ। हमें देखना है कि आगे क्या इसके तरीके बनते हैं। अगर मैं आज के 15 मिनट के चार्ट के ऊपर आ जाऊं तो मार्केट ने बहुत अच्छा फंसाया, ठीक है। आज तो बहुत अच्छा फंसाया मार्केट ने, ये एक बेरिश फ्लैग बनाया हुआ है गाइस, ठीक है। और यहीं पर हमारा एक स्टॉप लॉस सेट हुआ था, मैंने ऐसे करके, ये देखिए ये आपकी ट्रेंड लाइन बनती है, ठीक है। मार्केट ने इसका ब्रेकडाउन दिया और यहाँ पर इसको इसको एंड एंड में इसने इसके ऊपर वहीं जाके बंद किया है। तो अगर देखा जाए, अगर देखा जाए तो इसका स्टॉप लॉस हिट है, क्योंकि इसका स्टॉप लॉस है ये, तो स्टॉप लॉस इसने हिट कर दिया है। लेकिन ये अभी ट्रेंड लाइन के नीचे ही क्लोजिंग हुई है बेरिश फ्लैग के, तो इन अ वे एज पर द प्राइस एक्शन, जब तक ये इस ट्रेंड लाइन के ऊपर जाके क्लोज नहीं करता है तब तक बना हुआ है। लेकिन हमारे लिए जो मेन इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइज आपको नोट करके रखनी है कि कौन सा लेवल इंपॉर्टेंट है, वो ये है, ये इसका बेस। मैंने आपको सबको बता दिया था बीच के अंदर ट्रेडिंग ही नहीं करनी है, इसके बेस का लेवल टूटे तो यहाँ पर आपको ठोकना है, इसको हम दबा के ठोकना है। तो ये नंबर याद कर लो, लिख लो 16,900 ऑन ऑन अ वेरी बिग लेवल, 16,900 इज द नंबर। ये नंबर टूटता है इसके नीचे हमको ठोकना है। इस पैनल इसके हिसाब से क्या क्या टारगेट निकल के आते हैं वो भी निकाल लेते हैं। मैं कंजर्वेटिव टारगेट ले रहा हूँ, ज़्यादा भी आ सकता है लेकिन ये कंजर्वेटिव टारगेट है। एटलीस्ट आपको 16,632 के लेवल आते हुए दिखाई देंगे एज पर द बेरिश फ्लैग इटसेल्फ, ठीक है। और अगर मैं इसको बोलूँ कि ये टारगेट, ये बेसिकली ऑपोजिट रिवर्सल पैटर्न है, मतलब फ्लैग का रिवर्सल पैटर्न क्या होता है गाइस, फ्लैग का रिवर्सल पैटर्न होता है डब्ल्यू पैटर्न। तो ये डब्ल्यू है, तो बोलो कि ये एक डब्ल्यू पैटर्न है, ठीक है। अगर ये डब्ल्यू पैटर्न है जो कि बहुत बड़ा हो गया, ठीक है, अगर ये डब्ल्यू पैटर्न है तो उस पर्टिकुलर सिचुएशन के अंदर हमारे इसका हाई टूटना जरूरी है, जिसके ऊपर इसने क्लोजिंग बिल्कुल दे दी है, बिल्कुल क्लोजिंग दे दी है, ठीक है। अब लेकिन क्योंकि इंट्राडे में नहीं था, रिस्की सिचुएशन थी, इसने अपना गैप तो भर दिया है, बैंक निफ्टी ने भी गैप भर दिया है, निफ्टी ने भी गैप भर दिया, दोनों तरफ से गैप भर गया है। अब ये यहाँ से निकलता है, इसका जो टारगेट ऊपर का निकल के आ रहा है वो क्या है, मिनिमम टारगेट आपका निकल के आ रहा है ये, जो कि है 17,232। आई एम एक्सपेक्टिंग अ पॉजिटिव ओपनिंग मोर और लेस, लेकिन देखते हैं कि क्या होता
होती है, ये यही ट्रैप था लास्ट में जो कैंडल है, ये ट्रैप था ताकि लोग पुट लेके ना जा सके, क्योंकि एक दिन की छुट्टी और एक बहुत बड़ा गैप डाउन आपको देखने को मिल जाए। अगर मैं देखूँ अभी एग्जिस्ट निफ्टी 37 पॉइंट डाउन चल रही है। मैं अक्सर कुछ ना कुछ लेके जाता हूँ, कॉल या पुट, रिस्की ट्रेड जरूर लेके जाता हूँ। मैंने आज कुछ नहीं लिया है क्योंकि आज का मामला कुछ और है, ये दिखाया कुछ और है, होगा कुछ और। मुझे लगता है कि एक ट्रैप है, मुझे लगता है कि ये ट्रैप है, और मार्केट यहाँ से दोबारा से नीचे की तरफ गिरेगी, क्योंकि मार्केट ने टेक्निकली प्राइस एक्शन के हिसाब से अगर देखेंगे तो बेरिश फ्लैग का स्टॉप लॉस हिट नहीं किया, लेकिन ये वापस आ सकती है 16,924 के नीचे, की टारगेट अभी नीचे जा सकती है। इसने ये गैप भर दिया है, इसका मतलब ये है कि ये जब नीचे जाएगी तो काफ़ी देर तक नीचे जाएगी, क्योंकि गैप जब भी बनता है तो 3-4 दिन में फिल हो जाता है। इसने फिल कर दिया, इसका मतलब यह है कि अब ये भाई वापस नहीं आने वाली है। अगर नीचे गई तो काफ़ी लंबे टाइम के लिए जान सकती है, लंबे टारगेट हो सकते हैं नीचे के। तो हमारे जो मैंने आपको टारगेट बताए थे 15,300 to 15,500, इसकी पॉसिबिलिटी बिल्कुल बन जाएगी। लेकिन मैंने क्या बताया, इस लेवल को आने के लिए हमारे 16,800 के नीचे कैंडल क्लोजिंग की ज़रूरत है, जैसी आती है आपको मिल जाएगी। तो 16,800 के नीचे जब कैंडल बन जाती है, क्योंकि बहुत बाइंग लेवल है यहाँ पर, अच्छी खासी बाइंग होती है। और अगर आप देखेंगे ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से, आज देखो 17,000 पे कितनी पुट राइटिंग हुई थी, इन्होंने नीचे जाने ही नहीं दिया मार्केट को, ठीक है। 800 के ऊपर भी अच्छी खासी बाइंग है, 37 लाख कॉन्ट्रैक्ट्स आर रिटन ऑलरेडी, इट्स देयर, मंथली में भी वीकली में भी काफ़ी अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं। सो ये सिनेरियो बनता है, इसको हमें ऐसे प्ले आउट करना है। तो आपको बाय कहाँ करना है गाइस, ये देखिए, अगर मार्केट फ्लैट ओपन होती है निफ्टी, तो आपको 17,089 और 100, टू बी वेरी सेफ, 17,100 के ऊपर बाई करना है। 17,232 का आपका पहला टारगेट होगा, उसके ऊपर आपका टारगेट निकल के आएगा, ये बहुत छोटे टारगेट दे रहा हूँ मैं आपको, 17,375, ये आपका ऊपर का टारगेट होगा। नीचे की तरफ का जो टारगेट है वो 16,924 आपका नीचे आपको सेल करना है, 800 आपका टारगेट होगा, ठीक है। ये आपका टारगेट होगा 17,800, जो कि मेजर 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 सपोर्ट लेवल है गाइस। चाहो तो यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक भी कर सकते हो, और जैसे ही 16,780 टूटता है 20 पॉइंट सिर्फ, दोबारा से बैठ सकते हो। 16,032 आपका टारगेट रहेगा, ये मैं ग्रीन बना रहा हूँ गाइस आपकी आइडेंटिफिकेशन के लिए, कि एक मेजर सपोर्ट का लेवल रहेगा यहाँ पर। ये यहाँ पर माउंस मार सकती है, इसका ध्यान रखिएगा। 16,632 का टारगेट लेके चलेंगे, ज़्यादा उससे 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 ऊपर नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, ठीक है। ये मेजर लेवल आपके रहेंगे निफ्टी के अंदर। बैंक निफ्टी की बात कर लेते हैं, बैंक निफ्टी किस तरीके से प्ले आउट कर सकते हैं। ये बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी का भाई ये लेवल मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। ये अगर लेवल टूटते हैं तो, ठीक है, इसको डिलीट कर देते हैं ताकि आपको मेजर लेवल्स आइडेंटिफाई करके दिए जा सके। आपको एक और चीज़ जो मैं शायद निफ्टी में बताना भूल गया, लेकिन यहाँ पर आपको बता देता हूँ, ठीक है। ये देखेंगे तो इसका आपको दिखाई देगा, इसने रिजेक्शन लिया है कहाँ से, 50% से, 50% से रिजेक्शन लिया है। वो सारे फिबोनाकी के स्टूडेंट जो फिबोनाकी को देखते हैं, उनको जानते हैं, उनको पता है कि गाइस हमारी ये कन्फर्मेशन लाइन है, ये है 36,044, लिख लो गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जहां आपको 36,000 के नीचे, ठीक है, 15 मिनट की कोई भी एक कैंडल क्लोज मिलती है, बिंदा शॉर्ट मार देना, ठीक है, 15 मिनट की एक कैंडल क्लोज मिलती है, बिंदा शॉर्ट मार देना, ये आपका टारगेट होगा सेम डे में, सेम डे इंटरडे आपका टारगेट आ जाएगा। ये लेवल्स हैं इसके बीच के लेवल है, बट ये इसके लेवल है। शॉर्ट की पोजीशन बनानी है, कहाँ बनानी है, 36,044 के नीचे जैसे ही मार्केट निकलती है, 15 मिनट की कोई एक कैंडल क्लोज होती है, बिंदा शॉर्ट मारना, यहाँ पर भी बुक नहीं करना बिल्कुल, एकदम 35,639 का इंतजार करना है। सेम डे पे आएगा, बड़ी तेजी से आएगा, आराम से आएगा, ठीक है। ये इंस्टीट्यूशनल बाइंग जोन है और ये इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन है, यहाँ पर ना एक मेजर रेजिस्टेंस है, तो यहाँ पर बना भी देता हूँ रेड कलर का, इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन है। ये ऊपर मुझे काफ़ी लोगों ने आज लाइव के अंदर रिक्वेस्ट किया है कि अगर हम बना पाएँ एक वीडियो इंस्टीट्यूशनल सेलिंग जोन और बाइंग जोन के ऊपर, तो मैं ज़रूर बना दूंगा गाइस। तो उसका भी एक टारगेट रख लेते हैं इस वीडियो के अंदर। अगर आप चाहते हैं कि मैं एक वीडियो बनाऊं कि इंस्टीट्यूशनल बाइंग एंड सेलिंग जोन को कैसे आइडेंटिफाई किया जाए और किस तरीके से उसको पहचान के ट्रेडिंग किया जाए, अगर आप चाहते हैं कि एक वीडियो बना के मैं यूट्यूब पे पोस्ट करूँ,
उसके लिए गाइस बताइएगा मुझे इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में, अगर आप चाहते हैं तो बता दीजिएगा आपको चाहिए कि नहीं चाहिए, यू वॉन्ट द वीडियो प्लीज़ राइट इन द कमेंट सेक्शन। और अगर मुझे 50 से ज़्यादा कमेंट आते हैं, अगर लोगों को वीडियो चाहिए ठीक है, और 100 से ज़्यादा लाइक, अगेन सेम चीज़, सो वी विल आई विल बी मेकिंग वीडियो ऑन इंस्टीट्यूशनल ट्रेडिंग और आपको वो मैं इन्फॉर्मेशन दे दूंगा, आपको मिल जाएगी ठीक है। ये आपका टारगेट हो गया। इसके नीचे का टारगेट मैं निकालने की कोशिश करूंगा, इसको भी निकाल लेते हैं एक बार। ये और एक नीचे का लेवल, और मैं आपको नीचे के लेवल ज़्यादा दे रहा हूँ, ऊपर के कम दे रहा हूँ, क्योंकि ऊपर मार्केट थोड़ी कम जाती हुई दिखाई दे रही है। अगर गैप अप होती भी है तो देखी जाएगी, ऊपर के लेवल मैं आपको उस समय दे दूंगा, लेकिन नीचे के लेवल हैं 35,398 और 35,175, ये आपके लेवल हैं। फिलहाल 46 पॉइंट हो गई, फ्रॉम 32 to 46 पॉइंट माइनस चली गई है एक्सजेस निफ्टी, ये नीचे की तरफ ही चली जाती जा रही है। तो हमारे ये लेवल हो गए, ये निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के लेवल। ऊपर की तरफ अगर मार्केट निकलती है गाइस, सिर्फ बाइंग कहाँ करेंगे, 36,290 के ऊपर ठीक है, 190 के ऊपर, 190 भी नहीं, ये लेवल क्या है, ये 160 है, तो इसके ऊपर जाते हैं, 190 के ऊपर जाएंगे हम, 190 उसको मान, चलो सेफ साइड पे ये वाला लेवल रहेगा 196, 200 का लेवल है। इसके ऊपर अगर 15 मिनट की कोई एक कैंडल, 5 मिनट की दो कैंडल क्लोज होती है, बाय करो, 36,293 पहला टारगेट होगा, 36,466 दूसरा टारगेट होगा, और फाइनल टारगेट होगा 36,691। यहाँ पर जैसे ही मार्केट आती है, प्रॉफिट बुक बुक मेरे भाई, यहाँ पर प्रॉफिट बुक करना है और इंतजार नहीं करना। नीचे की तरफ 35,175 पर मार्केट आती है, बुक प्रॉफिट बुक ठीक है, ये तो है, सॉरी ये 36,639 का जो लेवल है, यहाँ तक मार्केट आती है, प्रॉफिट बुक ठीक है। दो लेवल बता रहा हूँ, एक इस लेवल पे नीचे की तरफ, इसके नीचे तो यहाँ पर बुक, नीचे भी जा सकती है लेकिन यहाँ पर बुक कर लेना, ये जरूर आएगा, इस लेवल को भूल जाना एक तरीके से समझो, सपोर्ट एरिया है लेकिन ये टूट जाएगा मुझे पता है ठीक है। ये लेवल आपको आता हुआ जरूर दिखाई देगा, ये आपको जरूर देख के रखना है ठीक है। निफ्टी के अंदर भी सेम सेटअप है, नीचे की तरफ के दो लेवल टूटते हैं तो आपको अच्छा खासा फॉल देखने को मिलेगा, क्योंकि निफ्टी की भी जो रिजेक्शन है वो भी 38% के आसपास से है, आई एम नॉट रॉन्ग, देखने की कोशिश करते हैं। चलो निफ्टी को भी दिखा देता हूँ आपको, यहाँ पर अगर आप फिबोनाची लगाते हो, मैच करते हो तो देखो एग्जैक्टली 38% से इसका क्या है, 38% से डाउनफॉल है। मैं ये लाइन जो मैंने खींची है ना गाइज, ये वाली, ये लाइन में एकदम ये थोड़ी नीचे लेके आता हूँ यहाँ पर ठीक है, और यहाँ पर एक नंबर मार्क कर देता हूँ, ये नंबर याद रखना 17,029, मोटा मोटा 17,000 लेके चलो। इसके नीचे अगर मार्केट जाती है तो 16,800 जरूर आ जाएगा, 16,800 जरूर आएगा, टच करेगा 16,800, तो इसके लिए आप प्ले आउट कर सकते हो ठीक है। ये स्ट्रैटेजी सीख भी सकते हो आप ठीक है, ये स्ट्रैटेजी सीख भी सकते हो हमारी ट्रेडिंग में तरुण की जो लर्निंग एप्लीकेशन है उसके ऊपर। डोंट फॉरगेट, आज रात को या कल सुबह आपको ईद स्पेशल ऑफर मिलेगा एप्लीकेशन के ऊपर, तो आप अपने लर्निंग कोर्सेज उस ईद स्पेशल ऑफर के ऊपर अंतर्गत भी ले सकते हो, तो वहाँ से भी आप बुक कर सकते हो ठीक है। ये रहा गाइस निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का एनालिसिस, ये लेवल्स मैं अपने टेलीग्राम चैनल के अंदर शेयर कर लूँगा, आप वहाँ से ले सकते हैं हमेशा की तरह ठीक है गाइस। फिर मुलाकात होगी आपसे चलती मार्केट के अंदर, और अगर आप चाहते हैं कि इंस्टीट्यूशन लेवल के ऊपर मैं वीडियो बनाऊँ, उस कमेंट सेक्शन में इस वीडियो के बारे में प्यार देना मत भूलिएगा, लिखना बताना जरूर पूछिएगा, मुझे इंतजार रहेगा। चलिए फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए हंसते रहिए, हंसाते रहिए, मार्केट से पैसा कमाते रहिए। सी यू गाइस इन द मार्केट एंड हैप्पी ईद, एंजॉय गाइस, बाय बाय।